गजा की सूरत हाल पर इस्लामी तआवुन तंजीम OIC और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी सरबराही इजलास से खिताब करते हुए निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि गजा पर इसराइली बीमारी से अस्पताल, स्कूल और अक्वामे मुत्तहदा के दफातर भी महफूज ना रहे। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम फौरी तौर पर रोका जाए और फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सलामती कौंसिल पर गजा में कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी आयद होती है। नाइंसाफी और फलस्तीनी शहरियों का कत्लेआम मजीद तनाजात को जन्म देगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत फलस्तीन के कयाम का हामी है, एक ऐसी रियासत फलस्तीन जिसका दारुल हुकूमत अल कुदस हो। इसराइल एक जारे और काबिज मुल्क है। अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि इसराइल के जंगी जरायम को आलमी अदालत इंसाफ ले जाना चाहिए। गजा की सूरत हाल से मुतालिक फौरी मुजाकरात शुरू करने चाहिए। मसले के सियासी हल के लिए लाजिम है फलस्तीन और इसराइल डायलॉग के लिए माहौल बनाए। दो रियासती हल के लिए फलस्तीन और इसराइल में डायलॉग से रास्ता निकाला जाए।